बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं और दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अच्छा दोस्तों, तो भाई आज हम लोग बहुत दिनों के बाद फिर एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें दोस्तों हम लोग है ना कन्ने बांधने का तरीका भी सिखाएंगे, प्रोफेशनल कन्ने बांधने का भी तरीका और दूसरे तरीके भी सिखाएंगे कन्ने बांधने के। तो दोस्तों ये कन्ने बांधने का तरीका भी सिखाएंगे और दोस्तों इस वीडियो के साथ हम लोग एक और चीज़ जोड़ेंगे जब आप वीडियो पूरी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आगे क्या चीज़ आने वाली है। इंशाल्लाह ताला वो वीडियो ज़रूर देखना, बहुत मज़ा आएगा। पूरी वीडियो देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हो सकता है आपका भी जहन बन जाए। ठीक है दोस्तों, तो चले चले आइए हम लोग है ना पहले कन्ने बांधने का तरीका सीखते हैं। तो दोस्तों ये है ना, ये मेरे पास 6 का 10 पतंग है और 6 का 10, ये 6 का 10 पतंग है। सबसे पहले तो आपको ये बता दूँ कि 6 का 10 क्या होता है। 6 का 10 का मतलब ये होता है कि दोस्तों 6 पेपर होते हैं, 6 पेपर, 6 पेपर में से 10 पतंगे निकालते हैं। ये 6 पेपरों में से 10 पतंगे निकालते हैं और इसी वजह से इसको बोलते हैं कि 6 का 10। और ये बात हमारे जहीर भाई ने बताई है, जहीर उस्ताद ने। और यही चीज़ आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ कि 6 का 10 नाम क्यों रखा गया, इसलिए रखा गया है कि 6 का 10 ये मैदानी पतंग होती है, क्योंकि इसका जो ये पेपर होता है ना, 6 पेपरों में से 10 पतंगे निकालते हैं, 10 ऐसी पतंगें बनती है। तो दोस्तों इसलिए इसका नाम है 6 का 10। ये थोड़ा बड़ा साइज़ होता है, मैदानी पतंग होती है और बहुत अच्छे तरीके से बनाई जाती है। ये देखें इसका बनाने का तरीका, देखें यहाँ से ना कितना ये मोटा होता है, यहाँ से पतला हो जाता है। तो ये जब हवा में उड़ता है तो बिल्कुल सही उड़ता है और जितनी भी दूर ले जाओ आराम से अच्छा उड़ता है। ठीक है, अब तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊँगा प्रोफेशनल करने जो मैदानों में चलते हैं, जो क्लबों में चलते हैं, जो ज़्यादातर बड़े बड़े काइट फाइटर पतंग उड़ाते हैं, वो करने में आज आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों देखें, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ना आप है ना ये सद्दी ले लें, तकरीबन 2 गज जितनी सद्दी होगी। ठीक है, और 2 गज जितनी सद्दी के बाद इसको है ना आपको है ना ऐसे बांध देना है। देखें, ये देखें मैं कैसे बांध रहा हूँ। ठीक है, ये आपको ऐसे बांधना है जो मैंने बांधा है। इसी तरीके से ना दूसरी तरफ से भी ऐसे बांध देना है। ये दोस्तों मैदानी करने चल रहे, प्रोफेशनल करने बता रहा हूँ मैं आपको। ये देखें, ये हो गया। ठीक है, अब दोस्तों हम लोगों को क्या करना है, ये ऐसा हो गया। ठीक है, अब हम लोगों को पता है क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर सुराख करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर सुराख करेंगे, भले आप तीली से करो, मैं तो ऐसे गिठान मार के कर लेता हूँ, हो जाता है मेरे से। आप तीली से करो, भले जिस तरीके से भी आप सुराख करना चाहो कर लो। ये देखें, ये मैंने सुराख किया। अब दोस्तों ये देखें, ये मैं इसको घुमा रहा हूँ। ये देखें, ये दोस्तों बिल्कुल है ना, अब इसको घुमा के दोबारा से इसको घुमाना इसलिए है कि इसकी एक वजह है घुमाने की, कि ये घुमाने से ना फिर क्या होता है कि ये जो है ना ये कमान है ना, कमान कांप जिसको कांप भी बोलते हैं, कमान भी बोलते हैं, वो दोबारा घुमाने से ना इतनी आपस में जुड़ जाती है कि हिलती नहीं है, इसलिए इसको दोबारा करने मानते हैं। एक ये वजह होती है, दूसरी करने ये वजह होती है, दोबारा करने में डबल घुमाने से यह ना ये टूटता नहीं है, क्योंकि इसी जगह से ना तो अक्सर है ना कन्ने टूट जाते हैं। ज़्यादा देर तक पतंग उड़ती है ना तो कन्ने टूट जाते हैं तेज़ हवा में। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोगों ने देखे ये काम कर लिया, ये देखा ये हम लोगों ने कर लिया, ये कन्ने बांध लिए। ये दोस्तों मैं फुल वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, उसको ज़्यादा तफसील से देखना और सुकून से देखना, तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग है ना ये जो मैदानी कन्ने बांधेंगे ना, तो उसका एक तरीका होता है। यहाँ पर एक पर्ची लगी हुई होती है, यहाँ पर देखें, या तो इसके ऊपर बांध दें या इसके साथ ही थोड़ा सा नीचे बांध दें, तो हम लोग है ना इस पर्ची के ऊपर ही बांध देंगे। ठीक है, तो कन्ने बहुत अच्छे बनेंगे मैदानी कन्ने, ये पर्ची के ऊपर बांधेंगे। जो चेपी लगी हुई है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसके यहाँ पर बांधेंगे हम। ठीक है,
अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको एक और बात बताऊं कि यहाँ पर बांधने से क्या होता है। इतनी दूर करने, बड़े करने बांधने से क्या होता है कि जब वो मैदान में पतंगें उड़ती है ना, जब मुकाबले होते हैं, तो भाई वहाँ पर है ना 600-600 गज है ना, 600-600 गज दूर जाती है पतंगें, 600 गज, 800 गज, 1000 गज, इतना इतना दूर जाके पेश होते हैं। तो भाई इससे है ना क्या होता है कि ये पतंग है ना, जब इतने 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 बड़े कन्ने बांधते हैं ना, इतने बड़े कन्ने, तो ये पतंग फिर है ना भारी हो जाती है। जब ये भारी हो जाती है तो बहुत दूर तक तो जाती है, और अच्छी दूर तक तो भी जाती है तो अच्छी उड़ती है, और वजनी हो जाती है। क्योंकि भाई मैदानी का जब दूर ले जाते हैं ना, 600 गज दूर हो जाती है, 1000 गज दूर हो जाती है, तो अगर हल्की पतंग होगी ना तो वो मांझा लटकेगा, मांझा झोल खाएगा, ज़्यादा झोल खाएगा, फिर उसका कटने के भी चांस बढ़ जाते हैं, और पेच लाने में भी मज़ा नहीं आता। तो इसलिए ना ये लोग मैदानी पर, ये जब मैदानी पर मैदानी कन्ने बांधते हैं जब हम लोग, तो फिर इसलिए इसको इतना दूर बांधना चाहिए। दूसरा ये है कि इसके बाद है ना इसको हम लोगों को अंदाजे से ऐसा बांधना है, देखें ये देखें दोस्तों, इसको अंदाजे से बांधना है ऐसे। ये वाला धागा छोटा होना चाहिए, ये वाला धागा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और इसको हम लोगों को बांध देना कन्ने अंदाजे से, थोड़ा सा छोटा रखना, ज़्यादा छोटा नहीं रखना, हल्का सा है ना, मामूली सा फर्क हो, ये थोड़ा सा बड़ा हो, ये हल्का सा छोटा हो, ठीक है। तो ये बस यहाँ पर है ना हम लोगों को कन्ने बांध देने, ठीक है। ये ले, तो दोस्तों ये देखा आपने, ये प्रोफेशनल और मैदानी कन्ने तैयार हो गए, ये देखें, ये देखें, देखा आपने, ये हम लोगों ने ना प्रोफेशनल कन्ने बांध लिए और फिर इसको उड़ाए, और इसका मज़ा ही अलग होगा उड़ाने का। और अब दोस्तों मैं एक और कन्ने बताऊंगा, जिसको अगर आप है ना ध्यान से देखोगे ना, तो आप उसकी है ना इसकी लॉजिक समझ जाओगे कि वो ये कन्ने क्यों बांधे जाते हैं। तो चले दोस्तों, ये तो हम लोगों ने कन्ने बांध लिए, और ये माशाल्लाह से देखिए पतंग कितनी अच्छी हो गई, बेहतर हो गई। अब हम लोगों को पता है क्या करना है दोस्तों, मैं आपको अब दूसरे कन्ने बताता हूँ जो ज़्यादातर मैं बांधता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अब इसको हम लोग इसको काट देते हैं, ठीक है, इसी पतंग में दोबारा कन्ने बांधेंगे। और ये तो प्रोफेशनल कन्ने थे, मैदानी कन्ने थे, जो सब लोग ऐसे ही बांधते हैं, ज़्यादातर बड़े बड़े काइट फाइटर और ये लोग, तो ये तो मैदानी कन्ने हो गए, ठीक है। तो दोस्तों अब आपको मैं ना बताऊंगा कि अच्छा दोस्तों, तो अब हम मैं आपको बताऊंगा कि ना एक और कन्ने बांधने का तरीका जो मैं अपने ज़्यादातर मैं बांधता हूँ, और वो कन्ने में बांधता हूँ छोटे, लेकिन वो ज़्यादा दूर जाके लड़ाने के लायक नहीं होते, वो करीब के लिए होते हैं। और इसकी लॉजिक ये होती है कि देखें, मैं अब जब मैं कन्ने बांधूंगा ना, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इसकी लॉजिक है। तो भाई मैं ऐसे बांधता हूँ कन्ने, देखें, ज़्यादातर जब मैं छतों पर उड़ाता हूँ या करता हूँ, तो फिर मैं इस तरीके से कन्ने बांधता हूँ, ये देखें, ऊपर का तरीका वही होता है, ठीक है। और ऊपर उसी उसी तरीके से डबल बांधो, सही है। डबल बांधने के बाद इसको इसको फिर है ना हम लोगों को छोटे कन्ने बांधने। दोस्तों इधर हम लोगों को बांधने 6 इंच पे, तो मेरा अंदाज़ा है, मैं इधर हमें चेक करके 6 इंच बांध लेता हूँ, ये 6 इंच पे कन्ने बांध दिए छोटे कन्ने, ठीक है। दोस्तों ये जो 6 इंच पे कन्ने होते हैं ना, ये बहुत उसमें इसके फायदे मैं बताऊंगा आपको कि क्या होते हैं, ठीक है। ये दोस्तों मैंने बांधे 6 इंच पे कन्ने, ठीक है। अब ये इसको है ना ये देखें, अब इसको हम लोग है ना इसको बिल्कुल हिसाब किताब से बांधता हूँ मैं, इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक रख के बांधता हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक दोनों को बराबर रख के बांधूंगा, सही है। पहले हम लोगों ने इधर बांध देते थे, मैदानी कन्ने थे वो दूर दूर जाके लड़ाने के लिए, और छत पे लड़ाने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि इसको है ना दोनों को बराबर रखिए, ठीक है। और इसको इसी जगह पे गिठान लगानी है, ठीक है, ये आपको ना इसी जगह पे मानना है, यही याद रखना है बात को, कि ये गिठान है ना जो इसकी गांठ लगेगी ना गिरा, वो बिल्कुल इधर ही लगेगी, ठीक है। इसको हम लोग फिर ना ऐसे बांध देंगे। अब ये कन्ने बांधे देखे मैंने बिल्कुल बराबर और छोटे कन्ने। अब इसके मैं आपको फ़ायदे बताता हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो तेज़ हवा में ना ये बहुत अच्छी उड़ेगी, छोटे कन्ने बांधते बहुत तेज़ हवा में जब उड़ती है तो बहुत अच्छी उड़ती है छोटे कन्ने।
दूसरी बात ये दरमियानी हवा भी हो जो भी हवा हो, इस छोटे करने से क्या होता है कि ये पतंग बहुत हल्की हो जाती है। देखें इस तरीके से ना बहुत हल्की हो जाएगी, और ये मैंने कन्ने बांध दिए, देखें ये अब उड़ाएंगे तो बिल्कुल हल्की हो जाएगी पतंग। तो हल्की होने से क्या फ़ायदा होता है पता है दोस्तों? एक तो तेज़ हवा में सही उड़ती है पतंग और अच्छी तरीके से आप लड़ा सकते हो। दूसरा फायदा ये होता है कि जब पतंग हल्की होती है ना तो ज़्यादातर आप है ना खिंचाई से लड़ाओगे तो इंशाल्लाह ताला काटोगे, और आपकी है ना दूसरा बहुत मुश्किल से काट सके कि क्योंकि इसकी वजह होती है कि जब पतंग हल्की होती है ना तो जो इसकी डोर होती है ना मांझा होता है, जब जिस जब ये उड़ता है तो वो सख्त नहीं होता, बिल्कुल हल्का होता, ढीला होता, लचक होती है उसमें। तो अगर कोई ढील से भी लड़ाता है तो हमारा मांझा नहीं कटता है, मुश्किल से कटता है, और अगर कोई खिंचाई से भी लड़ाता है तो भी हमारा मांझा ना बहुत मुश्किल से कटेगा, क्योंकि उसमें लचक होगी, हल्कापन होगा। जो लोग बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से ना वो जल्दी नहीं करता, और हम लोग है ना खिंचाई से आराम से सामने वाले की काट देते हैं। तो आपने देखा होगा भाई मैंने बहुत सारी काइट फाइटें की, और मैं ज़्यादातर ऐसे करने मानता हूँ छतों वगैरह पे। मैदान के तो मैंने नहीं बताया, मैदान पे तो मैंने नहीं लड़ा है, मैं छत की बात कर रहा हूँ। तो छतों पे आपने मेरी वीडियो देखी है तो मैं इस तरीके से कन्ने बांधता हूँ। जब इंशाल्लाह मैदान में लड़ाएंगे तो फिर वो जो पहले कन्ने बांधे थे उस तरीके से बांधेंगे, क्योंकि फिर वहाँ पर दूर पेश लड़ते हैं, हज़ार हज़ार गज पर लड़ते हैं। तो ये इसकी लॉजिक ये है कि जब हल्के कन्ने बांधते हैं ना तो एक तेज़ हवा में अच्छी उड़ती है, दूसरी है ना ये पतंग है ना जब पेच लड़ाते हैं ना हम लोग तो हमारा मांझे का जो खिंचाव होता है ना तनाव बहुत कम होता है, जब मांझे का तनाव कम होता है ना तो बहुत मुश्किल से कटता है, ये बात होती है। तो दोस्तों और खिंचाई से हम लोग ले जाते हैं, बड़ी आसानी से ले जाते हैं, बिल्कुल खींचते हुए ले जाते हैं। तो ये दोस्तों ये तरीके कार है हमें कन्ने बांधने का, और आपको मैंने कन्ने बांधने का तरीका सिखा दिया है। ये 6 का 10 पतंग थी, बहुत अच्छी पतंग है, इंशाल्लाह ताला आपको इसको उड़ा के भी दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग दूसरी हम अब हम लोग है ना ये कार्ड ये कन्ने बांधने के तरीके को बस अब ख़त्म करते हैं, अब हम लोग दूसरी टॉपिक पे बात करते हैं। दोस्तों भाई मैं इस वीडियो पे इसी वीडियो के अंदर है ना मैंने इसका टाइटल रखा हुआ है कि कन्ने बांधने का तरीका और घर बैठे पैसे कमाने का तरीका। तो दोस्तों भाई मैं आपको ना ये एक और ट्रिक दिखाऊंगा कि घर बैठे पैसे कमाने का क्या तरीका है, जो मैंने खुद ने भी किया हुआ है। तो चलिए आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि भाई घर बैठे कैसे पैसे कमा सकते हैं। उसके लिए थोड़े से अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी आपको, लेकिन मैं आपको तरीका बता देता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है चलिए आइए। अच्छा दोस्तों तो भाई ये मेरा ना एक परिंदे का सेटअप है, और मैं आपको ना इसमें ये बताऊंगा कि ना इसमें ना हम लोग घर बैठे कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो ये परिंदे का एक सेटअप है माशाल्लाह से। तो दोस्तों मैं चले आइए मैं आपको ना इसका इसका बताऊंगा कि इससे ना इस परिंदों से ना हम लोग है ना कैसे पैसे कमा सकते हैं। ठीक है तो चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा सेटअप है माशाल्लाह से। ठीक है और मैं आपको इसमें इसका ना सारी बातें बताऊंगा कि किस तरीके से कमा सकते हैं, किस तरीके से नहीं कमा सकते हैं। और दोस्तों अगर अगर आपको कोई मशवरा चाहिए तो आप मुझसे ना फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं कि मैं किस तरीके से कारोबार करता हूँ। चले आइए। तो दोस्तों ये देखिए माशाल्लाह से ना ये मैंने ना सारे ना एल्बिनो रेड आई के सारे जोड़े रखे हुए हैं। आज दो दो दिन पहले मैंने ना ये दो कैच जोड़ लिए हैं, नए कैच उठाए हैं, क्योंकि मेरे पास परिंदे बहुत सारे हो गए थे तो इसलिए दोस्तों मैंने नए कैच और उठाए। तो मैं आपको आज आपको इसका बताऊंगा कि ना इसको हम लोगों को किस तरीके से पालना चाहिए जो हम लोग है ना घर बैठे बैठे ना पैसे कमा सकें। ठीक है तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हम लोग है ना किस कौन सा ऐसा परिंदा रखे जिसकी है ना वैल्यू ज़्यादा है, जो हाथ के हाथ बिक जाता है, जो अगर OLX में बेचे तो भी बिक जाएगा, जो अगर हम लोग ग्रुप में डाले तो भी बिक जाएगा। ये वो परिंदा जो मैं पालता हूँ परिंदा, ये वो परिंदा कि हाथ के हाथ बिकता है। तो दोस्तों इसका नाम है ये एल्बिनो रेड आई है। ठीक है ये एल्बिनो रेड आई है और इसकी इस वक्त है ना कराची में ना बहुत डिमांड है एल्बिनो रेड आई की, और इसका अगर पट्ठा लेने जाते हैं तो 25,000 रुपये का जोड़ा मिलता है, और अगर हम लोग बड़ा जोड़ा लेते हैं तो वो 35,000 रुपये का जोड़ा मिलता है, लेकिन हम लोगों को पट्ठा ही लेना चाहिए अगर हम लोग कारोबार करते हैं तो। तो दोस्तों भाई इतने कम अरसे में मैंने है ना माशाल्लाह से आपके सामने पूरा सेटअप ये पूरा तैयार खड़ा कर दिया, और दोस्तों मैंने ना इसमें शुरू में मेगा से आज से 2.5-3 साल हो गए, और शुरू शुरू में ना मैंने इस पर 1,60,000 रुपये लगाए थे, इससे ज़्यादा नहीं लगाए थे। और ये सब आपके सामने कितना माल बना हुआ है ये देखिए, दो केज खड़े कर दिए, आइए दिखाता हूँ मैं। और
ये देखिए माशाल्लाह से, सारे माशाल्लाह से ना ये मैंने पूरा सेटअप तैयार कर लिया, और ये देखिए सारे एल्बिनो के हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि ये जो फिशर रखे हैं ना, जो आपको खुले नज़र आ रहे हैं, जो कॉलोनी में नज़र आ रहा है, तो ये फिशर मैंने सिर्फ कमाने के लिए नहीं रखे हैं, ये फिशरों से मैंने सिर्फ इनके अंडे बच्चे पोस्टिंग करवाता हूँ, अंडे बच्चे पलवाता हूँ, और ये मुझे माशाल्लाह से बहुत फ़ायदा पहुँचाता है, क्योंकि ये फिशर जो होते हैं ना, ये बहुत अच्छा परिंदा है, और ये है ना बच्चों को अच्छी तरह खिलाता पिलाता है और बड़ा करता है। जैसा कि मैं आपको बताऊंगा, आइए जैसे ये देखें, ये एक फिशर का डब्बा है, कॉलोनी में मैंने इसके बच्चे रखे हुए हैं एल्बिनो रेटाई के। अब ये देखें कितने अच्छी तरीके से इसको पाल रहे हैं, माशाल्लाह से देखें तो दोस्तों, ये माशाल्लाह से एक एल्बिनो रेटाई का बच्चा है और इसको फिशर पाल रहे हैं। और ये देखें आपके सामने, ये भी अभी बिल्कुल मटकी से बाहर आने वाला है, और इसके अंदर और भी बच्चे हैं दोस्तों, देखें एक और भी बच्चा है, और ये देखें दोस्तों, ये भी एक और माशाल्लाह से बच्चा है। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप, फिशर को बस रखने की वजह ये है कि ये ना पालते हैं बच्चों को और इसलिए रखते हैं, लेकिन फोकस हम लोग अगर करना है तो हम लोगों को फोकस एल्बिनो पे करना है। ये देखिए हम लोगों ने एल्बिनो पे निशाने के लिए निशान भी लगाए हैं कि सब एल्बिनो एक जैसे होते हैं ना, ताकि ये एक दूसरे से मिक्स नहीं हो जाए, इसलिए हम लोगों ने देखे निशान लगाए हैं इनकी गर्दनों पे। और ये देखें जो गालों पे लगा हुआ है दोस्तों, ये नर है, और जो जो गर्दन पे लगा हुआ है वो मादा है। ठीक है दोस्तों, तो आइए मैं आपको एक और देखा डब्बा दिखाता हूँ जो फिशर का है, जो फिशर फिशर है ना पार ग्लू के बच्चे को पाल रहे हैं, तो उसको आइए चेक करते हैं कि उस बच्चे का क्या हाल है। वो एक ही बच्चा है उसके अंदर, ये फिशर पाल रहे हैं पार ग्लू के बच्चे को, माशाल्लाह से देखें दोस्तों, जिंदा तो लग रहा है माशाल्लाह से। ये देखें दोस्तों, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये पार ग्लू का बच्चा है दोस्तों, देख रहे हैं आप। तो दोस्तों अगर ये पार ब्लू का बच्चा पूरा क्लीन इसका सर बिल्कुल साफ निकला, तो ये तकरीबन 25,000 रुपये का एक दाना है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि भाई जो भी घर बैठे अगर ये सेटअप रखना चाहता है तो बिल्कुल रखे, और इसमें बहुत अच्छी कमाई है। मिसाल के तौर पर अगर एक एक जोड़ा भी अंडा बच्चा दे देता है ना, एक जोड़ा भी, तो तकरीबन है ना 4 बच्चे निकलते हैं, और अगर अंडे 6 देते हैं इससे कम औसतन 4 बच्चे निकलते हैं। अगर 4 बच्चे निकले ना, तो एक जोड़ा है ना एक वक्त में दोस्तों आपको है ना 50,000 रुपये दे सकते हैं, 50,000 रुपये कमा के दे सकते हैं। और इस तरीके से सीजन में है ना तीन तीन इनके कलश होते हैं, 3 बार अंडे बच्चे देते हैं, और आप है ना अगर ये तीनों सीजन लग जाते हैं तो आप आराम से है ना 1,50,000 रुपये का सीजन लगा सकते हैं एक जोड़े से। ठीक है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो दाना खर्च होता है, खाना पानी का दाना खर्च होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा भी है ना पूरे सीजन पूरे एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये का दाना खर्च होता है एक एक जोड़े से, दाना सौ फूड वगैरह 10,000 रुपये मैक्सिमम लगा लो, बाकी फिर भी 1,10,000 रुपये की बचत होती है। और अब दोस्तों अब है ना ये हमारा सीज़न अब हो गया है बिल्कुल ख़त्म, बिल्कुल रुक गया। अब हम लोगों ने सबके बॉक्स खोल दिए दिखा, तो दोस्तों हम लोगों ने सबके बॉक्स इसलिए खोल दिए ताकि ये लोग अंडे बच्चे नहीं करें और वीक नहीं हो जाए, उनको आराम दिया हुआ है, रेस्ट भी दिया हुआ है, ताकि ये सबके डब्बे हम लोगों ने निकाल दिए। ठीक है ना, तो ये तरीके का है दोस्तों, घर में बैठे बैठे अगर हमारे पास कुछ अमाउंट हो तो हम लोग है ना एक जोड़ा रख के 2 जोड़ा रख के पैसे कमा सकते हैं। और ये दोस्तों हमारी काइट वीडियो में, काइट फाइटिंग की वीडियो में हम लोगों ने ये चीज़ इसलिए डाली है कि बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर है कोई नहीं बोलते यार नई चीज़ बताओ, नई चीज़ करो, नई चीज़ करो, तो दोस्तों बस हम लोगों ने ना ये चीज़ अपने उसके साथ डाल दी है। तो दोस्तों अब इंशाल्लाह ताला अब है ना जब ये अगस्त का महीना आएगा ना, तो हम ये सारे ना बॉक्स दिखाओ, ये सारे बॉक्स हम लोग बंद कर देंगे और फिर ये लोग ना दोबारा से अंडा बच्चे देने लग जाएंगे। अभी सबको इनको देखें, सबको हम लोगों ने रेस्ट पे छोड़ा होगा। ठीक है ना दोस्तों, तो दोस्तों अगर अगर आपको अगर ये परिंदा पालना चाहते हो, तो अगर ये परिंदा पालना हो तो जो भी मालूम चाहिए हो, जो भी मशवरा चाहिए हो, आप मेरे से फ़ोन पर रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0340207-8290, दोबारा बता देता हूँ 0340207-8290। ठीक है दोस्तों, तो बस दोस्तों अब हम लोग है ना अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं, और बहुत सारी ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे, और मेरे दोस्तों मेरे सेटअप को देख कर माशाल्लाह ज़रूर किए कहिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, तो दोस्तों बस अब हम लोग है ना अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं, और दोस्तों आप मेरी वीडियो देखते रहना, लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करना, इंशाल्लाह हो सकता है कि
हम लोग है ना आगे एक और काइट मेकर है उससे जाके वीडियो बनाएंगे, वो भी जरूर देखिएगा, पूरी देखिएगा, बहुत मजा आएगा दोस्तों। और हो सकता है काइट फाइट के लिए भी जाए तो आपको, तो उसकी भी वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है, बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों बस मेरी वीडियो देख लेना, लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। अस्सलाम।